हे एवरीवन, एक बार फिर से वर्मेस क्रिसमस का स्वागत है। और देखो, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अब मतलब क्या कहते हैं, ये इश्यूज आ रही है दैट कि बहुत सारे कैंडिडेट का जो एक्सपेक्टेड मार्क था ना, वो 70 था, 65 था, 55 था, बट जो मार्क्स आ रहे हैं ना मेरे मतलब कि रैंक कार्ड में, वो 29, 22, 25 इस तरीके से आ रहा है। तो देखो, ये जो है ना फाइनल रिजल्ट में तो थोड़ा इशू लग रहा है मेरे को, जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि देखो 65 अगर आपने करेक्ट करा एंड आफ्टर दैट मार्क्स जो बन रहे 22 करेक्ट बता रहे, बाकी के बाकी अनकरेक्ट बता रहे, तो यहाँ पर थोड़ा सा इशू हो सकता है। और इवन एक कैंडिडेट ने ये क्लेम किया था ना, मैं बता रहा हूँ, उनने जो है ना 75 मार्क करे थे, ठीक है, 75 को मार्क करा था, एंड आफ्टर दैट रिजल्ट जो आया ना उसमें करेक्ट शो कर रहा ओनली 3, एंड बाकी के बाकी अनमार्क्ड बता रहे हैं। इवन रॉन्ग भी नहीं बता रहा कि बाकी के बाकी 72 जो बच रखे हैं वो रॉन्ग है, रॉन्ग अटेम्प्ट है, तो ऐसा भी नहीं बता रहा है, अनमार्क्ड बता रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रिजल्ट में तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है दैट कि एरर आए हुए हैं, ठीक है। तो इस एरर को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप सिंपली से क्वेरी जनरेट कर सकते हो, अपना जो भी क्वेरी है वो जनरेट कर सकते हो, बट क्वेरी जनरेट करने से बेटर रहेगा ना दैट कि आप कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। एम्स को कॉन्टैक्ट इन्फो यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला जो ईमेल आईडी आपको दिखाया जा रहा है, इसको क्या करना है, सिंपली से कॉपी करना है, एंड आफ्टर दैट आपको मेल पे जाना है, एंड मेल पे आपको जो भी प्रॉब्लम आपका हो रहा है वो आपको जनरेट करना है, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों का भी रिजल्ट में एरर आया है तो यार दैट्स रियली बैड फॉर देम, ठीक है। तो उन लोगों को कंपोज ईमेल पे जाके सिंपली से एम्स को मेल करना है, दैट इज व्हाट इज योर प्रॉब्लम, सब्जेक्ट में अपना रिजल्ट एरर डाल देना, क्योंकि उनने 75 मार्क करे थे, कंप्यूटर में भी बोल रहा है वो दैट की 75 करेक्ट, मतलब 75 आपने मार्क करा है, बट जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में देखो 3 करेक्ट है, बाकी के बाकी अनमार्क्ड है। तो दिस इज रियली बैड फॉर देम, एंड उसको जैसा फील हो रहा होगा वो हम लोग नहीं समझ सकते, बिकॉज एवरी ईयर जो है ना कॉम्पिटिशन रेज हो रहा है, एंड अगर वो 75 मार्क्स करा और उसका 55 या 50 जितना भी मार्क्स आता तो वो उनका होता, ठीक है। बट एम्स वालों के कारण यहाँ पर उनने जो गलती करी है कंप्यूटर सीबीटी मोड के कारण, तो जो गलती हुई है या तो कंप्यूटर में एरर होगा या तो फिर सॉफ्टवेयर में एरर होगा, दैट्स वाई ऐसा आया, ठीक है। तो जो रिजल्ट यहाँ बन रहा है इस तरीके से बन रहा है, तो दैट्स नॉट गुड फॉर देम। तो आप लोग बताना आपका क्या इशू है कमेंट में, और अगर आपको रेज करना प्रॉब्लम तो एम्स का जो कंट्रोलर है ना उस पर जाके मेल करो, वो लोग रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और जिसका जिसका भी एक्सपेक्टेड मार्क्स से कम आ रहा है ना, तो एक बार अच्छे से आंसर की मैच करो। ऑलरेडी इन लोगों ने आंसर की रिलीज तो करा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन भी स्क्रीन पे नहीं आते, सीबीटी वाले क्वेश्चन भी नहीं आते, बट जो भी रिमेम्बर्ड क्वेश्चन है जो कैंडिडेट्स ने बताए हैं वो मैं आपको बता दूंगा कुछ दिन बाद, वीडियो अपलोड हो जाएगा केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, वो सारे क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पे हम लोग रिकॉर्डेड वीडियोज में डाल देंगे, तो वहां से भी आप मैच कर पाओगे। फिलहाल जिसने भी आंसर की मैच करके एक्सपेक्ट किया था दैट की 70 मार्क्स है, फिर भी मार्क्स कम आ रहे, तो दैट रियली बैड, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर हमको 10% तो एरर देखने को मिल रहा है रिजल्ट में, क्योंकि सीबीटी मोड में ऐसा ही होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट जहाँ बढ़े तो कुछ कुछ कंप्यूटर वाले कुछ भी कुछ कंप्यूटर में अगर एरर आया तो उसके कारण कैंडिडेट्स का रिजल्ट यहाँ पर फॉल होता है, तो दैट्स नॉट गुड फॉर देम। तो आई होप आपको यहाँ पर मैच कर लेना चाहिए या फिर आपको मेल करना चाहिए अपना जो भी प्रॉब्लम है इस ईमेल आईडी पे। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।